स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर जैसा कि हम सॉलिड स्टेट डिटेक्टर को डिस्कस कर रहे थे तो उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में तो स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पे सेटअप हम देखते हैं कि जो हमारे पास सॉलिड स्टेट डिटेक्टर होता है उसका सेटअप ऐसा होता है जिसमें हमारे पास पीएन जंक्शन मौजूद होता है और ये जो हमारे पास पीएन जंक्शन होता है ये रिवर्स बायस्ड होता है यानी कि पी टाइप रीजन को आ, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन किया जाता है और जो हमारे पास एन टाइप रीजन होता है पीएन जंक्शन का उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है तो जब हमारे पास पार्टिकल स्टूडेंट्स एंटर होते हैं इस एन टाइप रीजन की तरफ ठीक है तो ये डिप्लीशन रीजन में पेनिट्रेट कर देते हैं ठीक है जब ये डिप्लीशन रीजन से पेनिट्रेट करते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं देख सकते हैं कि जो हमारे पास डिप्लीशन रीजन है उसको यहाँ पे डी आर से डिनोट किया गया है ठीक है तो जब हमारे पास जो इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं वो पेनिट्रेट करेंगे इस डिपिशन रीजन के थ्रू तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो है वो क्रिएट होंगे ठीक है यहां पे हम लिख लेते हैं कि जब हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल्स ठीक है इंसिडेंट पार्टिकल्स वो स्ट्राइक करते हैं जब फ्रंट फेस से ठीक है यानी कि एन टाइप रिजन की तरफ से स्ट्राइक करेंगे और फिर ये पेनीट्रेट करते हैं पेनीट्रेट करते हैं थ्रू थ्रू डिप्रेशन डिप्रेशन रीजन रीजन ठीक है को मैं यहाँ पे DR से डिनोट कर रही हूँ तो तब हमारे पास क्या क्रिएट होता है हमारे पास क्रिएट होते हैं इलेक्ट्रॉन होल इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स ठीक है इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होते हैं असुर से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होते हैं इनको क्रिएट करने के लिए मिनिमम यानी कि बिल्कुल स्मॉल अमाउंट एनर्जी की चाहिए होती है जो कि ऑलमोस्ट होती है थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट से फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है यानी कि इतनी थोड़ी सी एनर्जी काफ़ी होती है uh, इस पी एन जंक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट करने के लिए कि जब हमारे पास पार्टी पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्राइक करते हैं पी एन जंक्शन से तो स्टूडेंट्स यहां से हमें पता चलता है कि जो हमारे पास सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है जिसको मैं यहाँ पे एस एस डी से लिख रही हूँ ठीक है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर ठीक है जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है इसका मतलब है कि ये यूजफुल है डिटेक्ट करने के लिए लो एनर्जी पार्टिकल्स को ठीक है ये डिटेक्ट लो एनर्जी पार्टिकल्स को करने के लिए फायदा है ठीक है तो यहाँ यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि लो एनर्जी पार्टिकल्स तो सोच जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास डिप्लीशन रीजन होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ठीक है तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होंगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये एन टाइप और पी टाइप रीजन की तरफ मतलब के धकेले जाएंगे और उसकी वजह से हमारे पास एक करंट प्रोड्यूस होगा तो सुन जो हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक करंट पल्स प्रोड्यूस होगी ठीक है यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि वो हमारे पास एक करंट पल्स प्रोड्यूस होगी और वो फिर एम्पलीफाई की जाएगी ठीक है वो यहाँ पे आगे एम्पलीफाई की जाएगी और फिर वो रिकॉर्ड की जाएगी फिर वो रिकॉर्ड की जाएगी एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर में ठीक है यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर में वो रिकॉर्ड कर ली जाएगी जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सेटअप में देख सकते हैं कि जब हमारे पास जो करंट है वो प्रोड्यूस होगा इन इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की वजह से वो जो करंट है वो कहलाएगा करंट पल्स ठीक है उस करंट की जब पल्स आएगी आ, सेटअप के इस तरफ जहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस मौजूद है तो यहाँ पे पहले वो जो करंट पल्स है वो एम्पलीफाई होगी ठीक है और फिर वो जो हमारे पास करंट पल्स है वो रिकॉर्ड होगी एक काउंटर के अंदर तो सुन चाहिए जो हमारे पास पल्स प्रोड्यूस होगी ठीक है इसका जो हमारे पास साइज होता है ठीक है साइज ऑफ पल्स ठीक है साइज ऑफ पल्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इंसिडेंट पार्टिकल ठीक है एनर्जी एब्जॉर्ब एनर्जी एब्जॉर्ब By incident particle, incident particle, incident पार्टिकल so, सोर्स इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जितनी ज़्यादा एनर्जी का पार्टिकल जो है वो इंसिडेंट होगा इस मेन जंक्शन पे, उतनी ही ज़्यादा ऑब्वियस बात है एनर्जी ऑब्जॉर्ब होगी ठीक है और उतनी ही ज़्यादा हमारे पास साइज का पल्स आएगा उसकी वजह यह है कि जितने ज्यादा एनर्जी का हमारे पास पार्टिकल इंसिडेंट होगा उतने ही ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे और जितने ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे उतने ही ज्यादा हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा और उतना ही हमारे पास करंट पल्स का साइज होगा तो सुनो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं ठीक है तो सबसे पहले बेनिफिट इसका यह आता है कि ये फास्ट काउंटिंग के लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अब हम बेनिफिट्स जो है वो डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट डिटेक्टर को यूज करने के तो सुनो सबसे पहले जो हमारे पास बेनिफिट आता है वो आता है फास्ट काउंटिंग का ठीक है कि ये जो हमारे पास सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है ये फास्ट काउंटिंग के लिए यूज किया जा सकता है यानी कि अगर हमारे पास जो इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं वो एक फास्ट रेट पे आ रहे हैं ठीक है वो बहुत तेजी से हमारे पास इंसिडेंट हो रहे हैं तो उस दौरान फास्ट काउंटिंग की जरूरत पड़ती है और जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है वो इजीली काउंट कर लेता है ठीक है इसी तरह से से जो हमारे पास ये सोलिस डिटेक्टर है इसकी एक करेक्टरिस्टिक है कि ये यूज किया जाता है अल्फा और बीटा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए ठीक है यहाँ पे ये अल्फा को इस सिंबल से मैंने डिनोट किया और बीटा को इस सिंबल से डिनोट किया है तो जो हमारे पास अल्फा बीटा पार्टिकल्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है ये सॉलिड स्टेट डिटेक्टर और अगर इसको यूज करना हो गैमा रेस को डिटेक्ट करने के लिए तो गैमा रेज के लिए इसका स्पेशल डिजाइन होता है ठीक है उसके थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं गैमा रेज को ठीक है यहाँ हम लिख लेते हैं कि स्पेशल डिजाइन के थ्रू हम गैमा रेस को डिटेक्ट कर सकते हैं इसी तरह से स्टूडेंट्स जो हमारे पास सॉलिड स्टेट डिटेक्टर होता है ये बहुत स्मॉल होता है साइज में ठीक है जो पी एन जंक्शन होता है वो बहुत स्मॉल होता है साइज में बनस्पत दूसरे डिटेक्टर्स के मुकाबले में ठीक है इसी तरह से स्टूडेंट्स जो इसका दूसरा बेनिफिट हमारे पास आता है कि ये जो हमारे पास सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है ये ऑपरेट करता है लो वोल्टेजेस पे ठीक है ऑपरेट्स एट ऑपरेट एट लो वोल्टेज ठीक है यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये लो वोल्टेज पे ऑपरेट करता है अनलाइक अनलाइक गीगर मूलर काउंटर के ठीक है अनलाइक गीगर मूलर काउंटर के दीगर मूलर काउंटर को मैंने यहाँ पे जीएमसी से डिनोट किया है ठीक है जहां पे हमें कितना ज्यादा वोल्टेज क्रिएट करना पड़ता है 450 वोल्ट्स ठीक है इतना ज्यादा वोल्टेज वहां पे हमें क्रिएट करना पड़ता है जबकि उसके मुकाबले में जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है उसमें हमें बहुत कम वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है जैसे कि हमने यहाँ पे सेटअप में देखा था कि हमें फिफ्टी वोल्ट ही सिर्फ अप्लाई करना पड़ा था इसी तरह से शुरू से जो हमारे पास सॉलिड स्टेट डिटेक्टर होता है इसके अंदर कोई गैसेस भी यूज नहीं होती ठीक है जैसे कि हम गीगर मुलर काउंटर में गैसेस को यूज़ करते हैं और वो भी दो टाइप्स की गैसेस को यूज़ करते हैं एक हमारे पास इनर्ट गैस या प्रिंसिपल गैस होती है और दूसरे हमारे पास क्वेंचिंग गैस होती है उसके बनस्बत ये जो हमारे पास सॉल डिटेक्टर है इसके अंदर हमें कोई गैसेस यूज़ नहीं करनी पड़ती और स्टूडेंट्स इसके बाद एक और बेनिफिट जो हमारे सामने आता है सॉल डिटेक्टर का वो ये होता है कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के अंदर कोई लो प्रेशर हमें क्रिएट नहीं करना पड़ता ठीक है यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमें कोई लो प्रे, प्रेशर क्रिएट नहीं करना पड़ता ठीक है क्रिएशन ठीक है जैसा कि जो हमारे पास गिगर मूल काउंटर होता है उसके अंदर जो गैसेस होती हैं वहां पे हमें लो प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है और शो इस इसका जो लास्ट बेनिफिट हमारे पास आता है सॉल से डिटेक्टर का वो आता है इसकी कॉस्ट का कि ये बहुत कम कॉस्ट में हमें एक डिटेक्टर का काम देता है ठीक है यानी कि इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू गिगर मूल काउंटर के जिसके अंदर हमें हाई वोल्टेज भी रखना पड़ रहा है गैसेस भी हमें देनी पड़ रही हैं एक ईगमूल काउंटर में और साथ ही हमें वहाँ पे एक लो प्रेशर भी क्रिएट करना पड़ रहा है तो उसके मुकाबले में जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है उसकी कॉस्ट बहुत कम पड़ती है तो आई होप सो इसके आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा जिसमें हमने सॉलिड सेट डिटेक्टर की वर्किंग और उसके बेनिफिट्स को डिस्कस किया है